हेलो गाइस हेलो डियर स्टूडेंट टुडे वी विल गोइंग टू चैप्टर नंबर अलेवन चैप्टर नेम इज़ इंडियन जुडिशरी मींस भारत की न्यायपालिका दिस चैप्टर इज फ्रॉम सोशल साइंस गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड नाइन्थ ओके डियर स्टूडेंट इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम इस चैप्टर का ट्रांसलेशन करेंगे आप बने रहिएगा आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इफ यू सब्सक्राइब दिस चैनल इट नाउ then first all of you subscribe this channel because we have uploaded all videos of ninth standard translation in this channel. okay, dear students, let's start. we have studied in detail about the two organs of the government, the legislative and the executive. हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ा है सरकार के दो भाग के बारे में दो ऑर्गन से सरकार के कौन कौन से हैं एक तो विधायक और एक कार्यपालिका विधायिका और एक कार्यपालिका लेजिस्लेटिव मीन्स विधायिका एंड एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका नाउ वी शैल स्टडी इन डिटेल अबाउट द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट द जुडिशरी विज विच इज़ इंडिपेंडेंट स्टेटरी एंड इम्पार्शियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट अब हम इसके तीसरे स्वतंत्र निष्पक्ष तथा सुग्रथित ऐसे विशिष्ट अंग न्यायपालिका के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज एंड यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम थ्रू आउट इंडिया भारत की संघीय शासन व्यवस्था में पूरे देश में सुग्रथित ए तथा एक सूत्री न्याय पद्धति है द इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड हार की. भारत की न्यायपालिका की रचना पिरामिड आकार की दिखाई जाती है वी हैव एस्टैब्लिस्ड यूनिफॉर्म जुडिशरी एंड इन इट एट द टॉप मोस्ट लेवल there is a supreme court which is the apex court at the middle level there are high court and under their jurisdiction are the district court at the district level and at the taluka level there are local and special court हमारे देश में एकल न्याय तंत्र की रचना की गई जिसके अनुसार सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायले होता है मिडिल में उच्च न्यायालय तथा उसके अधीन जिला न्यायालय तथा तालुका व अन्य अधीनस्थ न्यायालय तथा उसके अधीन विशिष्ट न्यायालय ट्रायल कोर्ट ये सब होते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर ट्रायल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल विच आस्टेब्लिस्ड टू कैटर टू वेरियस ऑब्जेक्टिव्स फिर उसके अधीन विशिष्ट न्यायालय ट्रायल कोर्ट तथा अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाई गई ट्रिब्यूनल्स होती हैं ये देखिए यहाँ पे बताया गया सबसे जो पूरी सत्ता किसके हाथ में होती है सुप्रीम कोर्ट के हाथ हाथ में फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है चीफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल कोर्ट जिसे हाई कोर्ट भी बोलते हैं फिर उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट फिर सबसे लास्ट में होता है ट्रायल कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट्स इंपोर्टेंस ऑफ चुडिसरी न्यायपालिका की का महत्व The natural and impartial judiciary is essential in the federal system for the protection and preservation of the right of the Indian citizen and to solve any incongruity inc between the center and state or, or between one state and the other state regarding the division of workload. तथा केंद्र और राज्य के बीच अथवा राज्य राज्य के बीच कार्य विभाजन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है अगर कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है तो संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार विवादों का समाधान इन न्यायपालिका में ही होता है द जुडिशरी इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन एज टू इंटरप्ट कॉन्स्टिट्यूशली ऑफ एनी प्रोविजन एंड एनी लॉ सो दैट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवेल जिससे क्या होता है कि कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है द जु जुडिशरी इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन तो जो न्याय न्यायपालिका है न्यायतंत्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का इंटरप्ट कॉन्स्टिट्यूशली ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ इसमें सभी नियम और कानून बनाए गए सो दैट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल जिससे कि संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होता है In order that the legislature of or the executive do not violate or end any of the constitutional limitations we require in a country independent from impartial and fearless judiciary, which is the foundation of democracy. कोई पूरा प्रभाव न पड़े इसलिए कानून की धारा अथवा उसमें किए गए प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं इसकी जांच के लिए संविधान का अर्थगठन करने के लिए न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है विधायक तथा कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं का, का, का उल्लंघन न हो इसकी जाँच के लिए देश में एक स्वतंत्र निष्पक्ष तटस्थ तथा निर्भीक न्यायपालिका लोकतंत्र की आधार आधारशिला है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी दैट इन जुडिशियरी प्रोसेस देयर इज नो फ्लॉ और डिले एंड द सिटीजन गेट क्विक चीप एंड इक्वल जस्टिस न्याय प्रक्रिया में क्षति या विलंब न होता था इस सभी नागरिकों को त्वरित सस्ता तथा समान न्याय प्राप्त हो इस यही हमारे संविधान के उद्देश्य उद्देश्य है कि न्यायपालिका बनाने का उद्देश्य है क्या है जिससे सभी को न्याय प्रॉपर तरीके से मिल सके जल्दी मिल सके इन द प्रेजेंट Presence of alert legislature and executive, the judiciary would always remain active. But many a time, due to administrative inactiveness and irresponsibility of the executive and author authorityiveness of the legislature, impartial, cognizant, independent, and fearless judiciary has shown judicial inactiveness. जहाँ पर कार्यपालिका तथा जागृत विधायक हो वहाँ पर न्याय तंत्र का हमेशा सक्रिय रहना आवश्यक है लेकिन कई बार कार्यपालिका तथा प्रशासकीय कार्य कार्यपालिका की निष्क्रियता एवं गैर जिम्मेदारी के कारण तथा विधायिका की निरंकुशता के कारण परिणाम स्वरूप जागृत निडर स्वतंत्र निष्पक्ष ऐसी न्यायपालिका महत्वपूर्ण न्यायिक सक्रियता दिखाई देती है अब हम पढ़ेंगे अपैक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट इज एट द अपैक्स ऑफ इंडियन जुडिशरी देश की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन टूडिशियल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय संविधान के अनुसार यह देश की सर्वोच्च न्याय संस्था है इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली ये दिल्ली में स्थित है ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इंडिया हैव टू वर्क अंडर द जुडिशन ऑफ द सुप्रीम भारत के सभी दीवानी और फौजदारी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उसकी सहायता करने का कार्य करते हैं द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट वन चीफ जस्टिस एंड ट्वेंटी एट एडिशनल जजेस सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अट्ठाईस अन्य न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान किया गया है द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाई द पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नंबर है संख्या है वो पार्लियामेंट के द्वारा निश्चित की जाती है बट इफ़ द प्रेसिडेंट फील दैट द वर्कलोड ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट इज़ इंक्रीज लेकिन अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्क बढ़ गया है देन द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल एज अ जज टू सुप्रीम कोर्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो संविधान के अनुसार सो जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे जज की नियुक्ति एडिशनल जज की नियुक्ति कर सकता है द जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑफ द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो सुप सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग नियुक्त किए जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल द अदर जजेज आर अपॉइंटेड इन कॉन्सुलेशन विद द चीफ जस्टिस एज वेल एज अदर सीनियर जज मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा तो वरिष्ठ न्यायाधीशों के विचार विमर्श करके की जाती है अब क्वालिफिकेशंस क्या है जो भी हमारे जज होते हैं उनकी अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति की जो 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 क्वालिफिकेशंस होती है वो देखिए फर्स्ट है अ सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का नागरिक होना चाहिए शुड हैव प्रोवाइडेड अ सर्विस ऑफ एटलीस्ट फाइव ईयर एज अ जज इन एनी वन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया और भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम पाँच वर्ष तक कार्य का अनुभव होना चाहिए शुड हैव एन एक्सपीरियंस एटलीस्ट टेन ईयर एज एन एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया और किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम दस वर्ष तक वकील के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए शुड बी अ डिस्टिंग्विस्ड जज और अ फेमस ज्यूरिस्ट एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के मतानुसार वह प्रसिद्ध न्यायविद या प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ होना चाहिए शुड नॉट बी मोर देन सिक्सटी फाइव ईयर ऑफ एज उसकी उम्र जो है वो सिक्सटी फाइव से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए द रिटायरमेंट एज इज सिक्सटी फाइव फॉर द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज सिक्सटी फाइव ईयर होती है अब हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड के बारे में द रिटायरमेंट इज सिक्सटी फाइव ईयर फॉर द फॉर अ जज ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो सिक्सटी फाइव ईयर्स हैं हाउ एवर द चेंज इन द एज ऑफ रिटायरमेंट कैन बी मेड बाई द पार्लियामेंट थ्रू फ्रेमिंग अ लॉ लेकिन फिर भी जो संसद कानून का निर्माण करके आयु सीमा में परिवर्तन कर सकती है दे कैन नॉट कैरी द प्रैक्टिस ऑफ लॉ इन एनी ऑफ इंडियन कोर्ट बट दे कैन प्रोवाइड दियर सर्विसेज इन कमिटी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इन टू अनकॉमन सिचुएशन और इवेंट सेवानिवृत्त होने के बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता लेकिन असाधारण सहयोगों या प्रसंगों के में जाँच के लिए नियुक्त की गई जाँच समिति का कार्य कर सकता है इफ़ इनकेपेबल टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज बिफोर द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देन अंडर सच सरकम चांसेस दे कैन रिजाइन विलिंगली फ्रॉम देअर पोस्ट बाई टेंडरिंग रिटर्न रजिस्ट्रेशन रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट अगर निवृत्त से पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो तो स्वेच्छा से राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है बट द जज कैन बी रिमूवड फ्रॉम देयर पोस्ट एंड पावर इफ़ दे फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ इनकेपेबिलिटी मिसकंडक्ट और इन एफिशियंसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अयोग्यता क्षमता भ्रष्टाचार तथा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन जैसे आक्षेपों के आधार पर महाभियोग लगा करके उसे अपने पद से हटाया भी जा सकता है दिस रिमूवल इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज कैरीड आउट थ्रो इंपीचमेंट मोशन इन पार्लियामेंट पार्लियामेंट में महाभियोग महा ऐसे जज के ऊपर पार्लियामेंट पर में महाभियोग चला करके उस जज को वहां से जो हटाया अपने पद से हटाया जा सकता है द प्रोड प्रोड्यूसर फॉर इट इज एंड फॉलोज महाभियोग प्रस्ताव की कार्रवाई इस प्रकार है एवरी हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज टू सबमिट अ मेमोरेंडम हैविंग मेजोरिटी सपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट टू थर्ड नंबर ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द रिप्रेजेंटेटिव सेशन संसद के दोनों सदनों में उनके कुल सदस्यों की बहुमती तथा उस सदन में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले कम से कम टू थर्ड सदस्यों की बहुमति से पारित निवेदन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के आधार पर न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है द जज कैन बी रिमूव फ्रॉम दिस पो पोस्ट द पार्लियामेंट मॉनिटर द प्रजेंटेशन ऑफ द मेमोरेंडम रिगार्डिंग द मिसबिेवियर ऑफ द जज एंड द कंडक्टिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज द कंडक्टिंग अप्रूफ फॉर द सेम संसद न्यायाधीश के अनुशासनहीनता से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जाँच की कार्रवाई तथा आरोप सिद्ध करने की कार्रवाई का नियमन करेगी

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति पद पत तथा और गोपनीयता तथा संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवाता है बिफोर टेकिंग द चार्ज ऑफ द पोस्ट द जज आर रिक्वायर्ड टू टेक द ओथ इन ऑरल एज वेल एज साइन द प्लेज और उन्हें प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी करना पड़ता है द पावर ऑफ जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की सत्ताए तथा कार्य क्षेत्र द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पोसेज इज मोर पॉवर एंड हैजिक्शन इन कंपेरिजन टू एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा विशेष सत्ता तथा विशेष कार्य क्षेत्र रखता है दिस ज्युडिक्शन कैन बी डिवाइडेड इंटू ओरिजिनल जुडिक्शन एपी एपीलेट ज्युडिक्शन एंड एडविजरी ज्यू जुडिक्शन सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को मूलभूत क्षेत्राधिकार विवादों के निपटारे का अधिकार तथा परामर्श देने का अधिकार इस तरह तीन भागों में बांटा गया है सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे ओरिजिनल जुडिक्शन मूलभूत क्षेत्राधिकार जिसे हम बोलते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन When a court has a power to directly give judgment after hearing a case, such a power is known as original jurisdiction, and the Supreme Court has the power to make decision regarding the case, which no other court has. जब अदालत को सर्वप्रथम ही विवाद को सुनकर निर्णय देने की सत्ता प्राप्त हो तो उसे न्यायालय का मूल अधिकार कहा जाता है तथा ऐसे विवादों में निर्णय करने की सत्ता अन्य किसी न्यायालय को नहीं सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ही है अंडर दिस जुडिशन द फॉलोइंग पार्टी शुड बी इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोड इस अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित पक्षकार होने चाहिए जिनके विवादों के निराकरण की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है फर्स्ट इट हैज़ द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट संघ सरकार तथा एक या उसके अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद के निराकरण की सत्ता प्राप्त है Second, it has the power of resolving difference of opinion, fight and conflict between the government of India and one or more state on the other side and one or more other states. एक तरफ भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य दूसरी ओर एक या उससे अधिक राज्यों बीच के बीच मतभेद, टकराव या विवाद के संबंध में समाधान करने की सत्ता। Third इट हैज कम्प्लीट पावर टू गिव जजमेंट रिगार्डिंग फाट और क्वाल बिटवीन स्टेट स्टेट्स दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अर्थात राज्यों राज्यों के बीच झगड़ा तथा उत्पन्न विवादों के संदर्भ में निर्णय देने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है फॉर द सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू गिव जजमेंट कंसर्निंग एनी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनली सर्वोच्च न्यायालय को संघ सरकार के किसी भी कानून अथवा संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों के संदर्भ में निर्णय देने का अधिकार है इट हैज द पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया मॉर एवर इट इज एम्पावर टू इश्यू ऑफ हैबिज कॉरप मैंडमज और ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन इस न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा और देखभाल करने की सत्ता के अलावा मूलभूत अधिकारों के भंग के विरुद्ध आवश्यक आदेश देने की सत्ता प्राप्त है इट इज नॉट अ जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट 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 और स्टेट स्टेट्स अ सेपरेट वाटर ट्रिब्यूनल गिव जजमेंट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल एंड इट कैंट बी चैलेंस्ड एनी वेयर दे हैव टू बी रेस्पेक्टेड बाई ऑल राज्य राज्य के बीच अथवा राज्य राज्य या राज्य राज्यों मतलब बहुत सारे राज्यों और एक राज्य के बीच या फिर एक राज्य और बहुत सारे राज्यों के बीच नदी के जल बंटवारे या उपयोग संबंधी विवादों का समाधान करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के बाहर है इसके लिए अलग जल न्याय वाटर ट्रिब्यूनल निर्णय करती है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है इसे अन्य किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं उसे स्वीकार करना सबके लिए अनिवार्य होता है फिर अब हम पढ़ेंगे एपिलेट जुडिक्शन सॉरी हाँ अब हम पढ़ेंगे एपिलेट जुडिक्शन थ्री टाइप ऑफ एपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर द एपीलेट जुडिशन अपील करने का क्षेत्रीय अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के विवाद अधिकार क्षेत्र में तीन प्रकार के विवादों में महापील अपील की जा सकती है केसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन फर्स्ट जो है संविधान के अर्थगठन का विवाद एपियल सेकेंड एपियल अगेंस्ट द सिविल केसेज दीवानी दावों के संबंधित विवाद अपील अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फौजदारी दावों से संबंधित अधि विवाद फिर देखिए फर्स्ट एनी पर्सन कैन अप्रोच अ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑर्डर और रिट गिवन बाय द हाई कोर्ट ऑफ एनी केस ओनली इफ अ सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द हाई कोर्ट अलोंग विद द जजमेंट दैट द केस इन्वॉल्व एनी मैटर प्रिटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज फॉल्सली इंटरप्टेड और कंटेंट एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ एंडहैंस द पिटिशनर कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेम भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी विवाद में दिए गए निर्णय आदेश या अंतिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी हो सकती है जब उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह प्रमाण पत्र दिया हो कि इस विवाद में संविधान की किसी कलम के अर्थघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है तथा उस प्रश्नों के संदर्भ में गलत तरीके से निर्णय दिया गया है इस इन कारणों से नाराज पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है अगर कोई उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देती है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा विश्वास हो कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जो है संविधान के अर्थघटन के प्रश्न समाविष्ट है इफ़ एनी सच सर्टिफिकेशन इज़ नॉट गिवन बाय हाई कोर्ट अगर ऐसे सर्टिफिकेट हाई कोर्ट नहीं देती है एंड इफ़ द पिटिशनर अप्रोचेज द सुप्रीम कोर्ट दैन इन सच सर्कम चांचेज इन द सुप्रीम कोर्ट फाइन दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज़ वायलेटेड अगर सर्टिफिकेट नहीं देती है लेकिन हाई कोर्ट यद्यपि अगर द पिटिशनर अप्रोचेज द सुप्रीम कोर्ट लेकिन जो पिटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट में केस रखता है और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है कोई सरकम चांचेज में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट उनका हनन किया गया है दैन इट कैन एक्सेप्ट बाई द पिटिशनर अपील तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो पिटिशनर की अपील जो है सुप्री एक्सेप्ट कर लेता है उसे मान लेता है कि नहीं इसका हमें निर्णय लेना होगा बट इफ़ इन एनी ऑफ सरकम चांसेज ओनली द पिटिशनर हु इज अ पार्टी इन इन द वर्किंग ऑफ हाई कोर्ट कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ओनली अंडर द रीजन दैट अ फॉल्स जजमेंट इज इश्यूड बाई द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट जो व्यक्ति उच्च न्यायालय की कार्रवाई में पक्षकार के रूप में होता है वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है बाकी कोई दूसरा नहीं अपील कर सकता है फिर सेकंड देखिए इन मतलब फर्स्ट वाले में ये बताया गया है कि अगर किसी का संवैधानिक हनन होता है किसी को कोई आ, मतलब फाइन कोई राइट्स से रिलेटेड या फिर कोई जो फंडामेंटल राइट्स है फंडामेंटल फ्रीडम है उससे रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी हन, हनन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पर भी अवेलना होती है तो उसका हम सुप्रीम कोर्ट में वापस अपने न्याय के लिए जा सकते हैं इन केस सेकेंड नंबर है अब देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ द सिविल केसेस इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड दैट द केस होल्ड जनरल इम्पोर्टेंस एंड इट इज नेसेसरी दैट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स देन एन अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट दीवानी मामलों में उच्च अदालत ऐसा प्रमाण पत्र दे कि विशेष की विशेष महत्वपूर्ण है तथा उसमें कानून के अर्थगठन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा होगी जिसमें कानून का कानून का मतलब यहाँ पे बराबर तरीके से उपयोग नहीं हुआ है और इस प्रश्न पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करे यह आवश्यक है जजमेंट ऑफ एनी सिविल केसेस इन्वॉल्विंग सम ऑफ रुपीस वन लैक और मोर कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट तब तो ऐसे तो मामलों की अपील हम सर्वोच्च मामलों में करते हैं जिसके अंदर का कानूनों का उपयोग पूरी तरीके से नहीं किया गया लाख से अधिक रकम के दीवानी दावों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जहाँ पे एक लाख या उससे ज़्यादा की रकम हो लाख या लाख से अधिक की रकम तो उसका हम कहाँ पर कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील कर सकते हैं दीवानी दावों की थर्ड है इन केस ऑफ क्रिमिनल केसेस इफ एनी लोअर कोर्ट हैज़ एक्टेट द क्रिमिनल फ्रॉम अ कैपिटल पनिशमेंट एंड इन दैट केस द हाई कोर्ट हैज़ गिवन कैपिटल पनिशमेंट टू द क्रिमिनल देन इन सच सर्कमचांसेस एंड अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट फौजदारी मामलों में निचली अदालत ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा से मुक्त किया हो लेकिन उच्च न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई हो तब ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओवन जजमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना खुद का जजमेंट देता है इसके बारे में इट कैन ट्रांसफर केसेज दैट आर गोइंग ऑन द अदर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाई फ्रेमिंग एक्ट सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए फैसलों का पुनः स्वयं पुनरालोकन या पुनः समीक्षा कर सकता है अन्य किसी भी अदालत में चल रहे विवाद को अपने पास मंगा सकता है संसद कानूनों का, का निर्माण करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में बढ़ोतरी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में बढ़ोतरी कहा किसको होता है संसद को को पार्लियामेंट को. फिर अब हम पढ़ेंगे एडवाइजरी जुरिडिक्शन सलाह क्षेत्राधिकार परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र इफ द प्रेसिडेंट फील दैट एनी पर्टिकुलर मैटर और क्वेश्चन होल्ड इंपोर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिव्यू ऑफ पब्लिक वेलफेयर दैन द प्रेसिडेंट कैन take a counsel of supreme court by sending the matter of or question to the supreme court for consideration अगर राष्ट्रपति को किसी महत्वपूर्ण मामले या प्रश्न जैसे कोई कानूनी प्रश्न तथा सार्वजनिक हित से संबंधित कोई मुद्दा हो और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अभिप्राय लेना योग्य लगता हो तो ऐसे प्रश्नों को राष्ट्रपति विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है अंडर दिस प्रोविजन द प्रेसिडेंट कैन अवेल काउंसिल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन द क्वेश्चन प्रटेनिंग ऑफ लॉ रियलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरव्य पिटिशन और रेलेवेंसी ऑन ऑफ एनी बिल इस प्रावधान के अंतर्गत कानून से संबंधित प्रश्न सत्यता से संबंधित प्रश्न संविधान के अर्थघटन का प्रश्न किसी विधायक विधेयक से संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह ले सकता है बट इफ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड इट नेसेसरी टू कंसिडर और गिव ओपिनियन ऑन द सेंट मैटर इट इज इट कैन सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट परंतु सर्वोच्च न्यायालय को विचार के लिए भेजे गए प्रश्नों पर विचार या अभिप्राय देने देना योग्य नहीं लगता तो ऐसे प्रश्नों को न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास वापस भेज सकता है एंड इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू फॉलो द एडवाइस और काउंसिल गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में न्यायाधीश द्वारा दिए गए अभिप्राय या सलाह को मानने के लिए जो राष्ट्रपति है वो बाध्य नहीं होते हैं फिर है अन्य सत्ताएँ अदर पावर्स अ सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट ओवन जजमेंट और डिसीजन सर जो सर्वोच्च न्यायालय है उनको अपने न्याय की पुनः समीक्षा करने की सत्ता प्राप्त होती है द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश अ फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय के तिरस्कार के लिए सजा सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू न्यूलीफाई एनी स्टेप लॉ टेकन बाई द एग्जीक्यूटिव इज वायलेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशंस राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग से संबंधित विवादों को विवादों को हल करने का जो राइट होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास में ही होता है सुप्रीम सॉरी हाँ दिस राइट हैज़ बीन गिवन ट्रू द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उन्हें संवैधानिक घोषित करने तथा ऐसे कानूनों आदेशों को रद्द करने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज होती है जिसमें किसी आदेश को मानना किसी को रद्द करना ये सब भी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होती है सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियर गार्जियन एंड सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड Citizens. इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों के रक्षक संरक्षक की भूमिका निभाता है जो सुप्रीम कोर्ट है ये सत्ता संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है कौन सी सत्ता कि जो सुप्रीम कोर्ट है नागरिकों के जो मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में कार्यपालिका की कि किसी भी कदम कानून का आदेश जो संविधान के साथ मतलब संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है उसके आधार पर उन्हें संवैधानिक घोषित करने के लिए ऐसे कानूनों आदेशों को रद्द करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास में होती है फिर अब देखेंगे हम नजीरी अदालत कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स Court of Records Naziri Adalat. Court of Record hold an evidential value, and when any record from the court are presented, no object, objections can be taken against it. The judgment and decision of the Supreme Court are considered as a permanent document and all are bound to accept it. They are used as a reference by the subordinate court. While giving judgment and decisions, any court showing its contempt or disapproval can be punished. जो अदालत होती है कोर्ट्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स अर्थात ऐसी अदालत जिन जिसके रिकॉर्ड्स सबूतों के रूप में महत्व रखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं वो सबूतों के रूप में महत्व रखते हैं जब इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तब इनकी वैधानिकता के समक्ष कोई विरोध नहीं कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय स्थायी दस्तावेज माने जाते हैं जो के सर्वमान्य होते हैं उसका उपयोग अधीनस्थ न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो भी जैसे हाई कोर्ट है लोअर कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन सभी में मुकदमों उन सभी के मुकदमों में निर्णय के समय इन रिकॉर्ड्स का यूज़ किया जाता है इसकी अवगणना तथा तिरस्कार जो करता है वो सजा का पात्र होता है फिर अब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में डियर स्टूडेंट अभी तक हमने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं ताकि आप इतना समझ के उसे दोबारा रिपीट कर सको नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अपलोड करेंगे हाई कोर्ट के बारे में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रांसलेशन के साथ में तब तक के लिए सी यू इतना पढ़ करके अच्छे से समझ लीजिए ओके बाय